हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज ओंकार सिंह। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओके इंग्लिश। वी आर गोइंग टू डिस्कस टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इंग्लिश एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट मे बी रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोइट्स लॉरेट इन इंग्लैंड वर्ल्ड। आज हम पोइट लॉरेट के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई थी और कब तक कितने पोइट्स के लिए इंग्लैंड में पोइट लॉरेट से नवाजा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ माय डियर माय फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिए। किसी प्रकार का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क वीडियो इस चैनल पर आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। तो बस छोटा सा हमारा आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स। पोइट लॉरेट से अगर हम समझें तो एक तरह की पेंशन है, परमानेंट से दरबारी कभी भी कह सकते हैं। पहले से भी पृथ्वीराज चौहान अगर कहें इंडिया में दिल्ली के राजा हुआ करते थे, उनके भी दरबार में दरबारी कभी हुआ करते थे। उसी तरह से ब्रिटेन इंग्लैंड में भी दरबारी कभी हुए हैं। उनका काम था मोस्टली जो उस समय की तत्कालीन गतिविधियां, इवेंट्स आदि पर रचनाएं लिखना, तो ये उनका मोस्टली काम होता था और उन्हें उसके रूप में कुछ पेंशन भत्ते मिलते थे, वही पोइट लॉरेट माना जाता है। अगर बात करें हम कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो फ्रेंड्स जेम्स फर्स्ट जो कि 1603 से 1625 तक इंग्लैंड का शासक रहा था, जिसने 1616 में सब शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जो है बेन जॉनसन को पोइट लॉरेट का वादा किया और इन्हें पेंशन शुरू कर दी थी। लगभग 15 साल तक इनके लिए काफ़ी, क्योंकि 16 में हुआ और ये 25 में इनका एक्सपायर हुए, तो कुल मिलाकर के फिर जो मतलब एक तरह की जीवन पर्यंत जब तक जिएंगे तब तक उन्हें पोइट लॉरेट अर्थात पेंशन मिलेगी। तो 1637 में इनकी मृत्यु हो गई थी बेन जॉनसन की। उसके बाद 1638 में जब चार्ल्स फर्स्ट आ जाते हैं, चार्ल्स फर्स्ट राजा होता है इंग्लैंड का, तो सर विलियम देवेन इनके लिए जो है पोइट लॉरेट प्राप्त हुआ था। ये तो रहे हमारा अनऑफिशियली कहा जा सकता है, लेकिन अगर बात आती है कि हु इज द फर्स्ट पोइट लॉरेट और हु वाज द फर्स्ट पोइट लॉरेट इन इंग्लैंड और ब्रिटेन, तो फ्रेंड्स जॉन ड्राइडन वाज द फर्स्ट पोइट लॉरेट, और जो कि ऑफिशियल रूप से 1668 से इन्हें पोइट लॉरेट से नवाजा गया था, क्योंकि विलियम जो सर विलियम देवेंत थे इनके लिए चार्ल्स सेकंड जब बन गए थे उसके बाद राजा तब भी रहे थे। तो जो ऑफिशियली अगर कहा जाए आधिकारिक रूप में जो फर्स्ट हमारे लॉरेट ऑफ इंग्लैंड ब्रिटेन माने जाते हैं जॉन ड्राइडन। इनके पीछे कहानी भी है, जीवन पर्यंत ये दिया जाता था, लेकिन इनके साथ कैजुअलिटी हुई, कुछ ऑफिशियल्स रीजंस हुए, इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और वो कब दिया था, वो दिया था 1689 में। कुछ कारण थे, अगर उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे तो हमारा समय जो है ख़राब होगा, इसलिए हम लिस्ट देखते हैं कि फर्स्ट जो पोइट लॉरेट थे जॉन ड्राइडन, वहाँ से हमारी लिस्ट शुरू होती है। फ्रेंड्स देखते हैं, आइए
जॉन ड्राइडन 1668 से 89 तक, वैसे तो ये 1700 तक इनका जीवन रहा, जो इनकी मृत्यु हुई थी 1700 में हुई थी, लेकिन कुछ कारण बस ऑफिशियली हम ज़्यादा यहाँ बताएं नहीं, क्योंकि दूसरा हमारा फिर टाइम वेस्ट होगा। तो इनके लिए ये फर्स्ट लॉरेट माने जाते हैं इंग्लैंड के, और 1668 से 1689 तक ये रहे थे। उनके बाद थॉमस सैडवेल, ये उनसे काफ़ी संबंधित थे चार्ल्स सेकंड से, तो इनके लिए 1689 से और 1902 तक ये रहे थे। फिर नाउन टेट 1692 से 1715 तक, निकोलस राव 1715 से 18 तक, ये लिस्ट है, इसको आप थोड़ा दो बार देखेंगे आपको रिमाइंड भी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स लॉरेंस ऑस्टन, ये आपके 1718 से 30 तक रहे थे। कॉले सिवर 1730 से 1757 तक। विलियम व्हाइटहेड 1757 से 85 तक रहे थे फ्रेंड्स। थॉमस वार्टन 1785 से 90 तक रहे थे। हेनरी जेम्स पाय, ये 1719 से 1813 तक रहे थे फ्रेंड्स। इनके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है रॉबर्ट सदे 1813 से 43 तक रहे थे फ्रेंड्स। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से 50 तक जीवन पर्यंत। लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन 1850 से 92 तक। अल्फ्रेड ऑस्टिन 1896 से 1913 तक। रॉबर्ट ब्रिस 1913 से 1930 तक। जॉन मैसफील्ड 1930 से 1607 तक। सेसिल डे लेविस 1968 से 1772 तक। सर जॉन बेडजेमन 1972 से 84 तक। टेड हक 1984 से 98 तक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ चेंजिंग हुआ था, बदला हुआ था, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या बदला हुआ था। यहाँ तक तो जीवन पर्यंत रहा हमारा, सॉरी ये जो है नाइन्टी एट तक जो सिस्टम रहा था वो जीवन पर्यंत था। यहाँ से चेंज हुआ 10 साल के लिए कर दिया गया था, फिर 10 साल बाद नेक्स्ट पोइट के लिए ड्राफ्ट किया जाएगा। तो एंड्रयू मोशन ये पहले व्यक्ति थे, ये 10 साल तक रहे थे, ये भी ज़्यादा 10 साल से कब से शुरू हुआ, तो 1919 से पोइट लॉरेटशिप के लिए 10 साल की डेट रखी गई थी कि 10 साल व्यक्ति थे, ये पहले पोइट थे जो 10 साल पोइट लॉरेट ऑफिशियली रहे थे। उसके बाद कैरोल एन डफी 2009 से 19 तक। अब उसके बाद जो लास्ट रहे हैं साइमन आर्मिटेज, ये 2019 से अब तक मौजूद है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन, इनमें से क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी कभी तीन ही मिल जाते हैं। फर्स्ट कौन थे, किसने इस्तीफा दिया था, 10 साल कब से शुरू हुआ, 10 साल तक पहले पोइट लॉरेट जो शुरुआत हुई वो कौन थे, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अंतिम कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, रॉबर्ट सदे के बारे में, बेंजामिन जॉन ड्राइडन, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, कब मिला था, कब तक रहे थे। तो उम्मीद है आपके लिए इससे लाभ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।